इस साल मौला अली की शहादत को 1400 साल पूरे होने जा रहे हैं और शबों में बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे होता है, मातमी अंजुमनें आती हैं, पुरसा पेश करती हैं मौला की बारगाह में, तो उसकी तैयारी और सालाना मजालिस से जो 7 जून से 10 जून तक होनी है उनकी तैयारी के लिए मैंने तमाम मोमिनीन की यहाँ पर मीटिंग बुलाई थी कि आके वो मुझे राय दें, मशवरे दें, सुझाव दें, यहाँ की कमियाँ बताएँ जिसे दूर किया जा सके। तो काफ़ी कसीर तादाद में मोमिनीन ने शिरकत की और ये एक इजलास बुलाया गया मोमिनीन का, उन्होंने अपनी अपनी राय दी, उन्हें हमने लिखा है उनके मोबाइल नंबर, शहर के नाम, और अब उसमें अब ये तैयारी है कि जो उन्होंने राय दी है उसे अमल में लाया जाएगा। और सारे विभागों से हमने खतो किताबत की है, कल SDM नजीबाबाद जो नोडल अधिकारी हैं वो यहाँ नजीबाबाद के यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे और 14-15 विभाग जो संबंधित हैं उनके कर्मचारी अधिकारी आएंगे, उनसे मीटिंग में तय किया जाएगा जो जो यहाँ पे इंतजाम होते हैं और जो जो हालात बेहतर करने के काम होते हैं वो किए जाएंगे और बेहतर रूहानी माहौल में किया जाएगा। और मैंने एक ऐलान किया है कि यहाँ पर सिर्फ खाने पीने के होटल, चाय के, कोल्ड ड्रिंक के और ज़रूरी सामान की दुकान लगेगी, मेले रूप में कोई भी दुकान, खेल तमाशा या कोई भी सजावट की चीज़ें यहाँ नहीं बिकने दी जाएंगी। और यहाँ पूरे इंडिया से 40 जाकिरीन को बुलाया गया खतीबों को जो बेहतरीन और रौनक अफरोज़ अपना बयान देंगे। और यहाँ मैं अपनी बहनों से, माओं से भी अपील करूँगा कि यहाँ हमें पूरी मदद करें और यहाँ पर दरगाह के तकद्दस को ध्यान में रखते हुए बापर्दा रहें, अब हमें निकलें अपनी और यहाँ के हुरमत का ख्याल रखें। सारे ज़ायरीन से भी इल्तिमास है कि यहाँ आकर प्यार मोहब्बत से मजलिसों में शरीक हों और इस मजलिसों को कामयाब करें, और इसके लिए मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत की है और लगातार उनसे बुला के मशवरे लिए जा रहे हैं। कितना समर्थन मिला आपको यहाँ पे, कितना सपोर्ट मिला, और ये जो मीटिंग थी ये ज़ायरो की मीटिंग थी या आपकी कमेटी की मीटिंग थी? नहीं, इसमें जितने जो लोग मुझसे टच में हैं और दरगाह के लिए काम करना चाहते हैं और जिन्होंने अपना बताया कि हमें जोड़िए, तो ज़्यादातर मैंने एक आम ऐलान किया था और बहुत लोगों को फ़ोन किए गए थे हमारी तरफ से कि आप लोग आइए और ये मीटिंग में बताइए मजलिसों के लिए, शबों में, ताबूत के लिए। और जो पर्दे की बात है तो ये कमेटी कोई भी रहे, हर कमेटी ने यही ऐलान किया है कि यहाँ पर्दे का माहौल रहना चाहिए और यहाँ पर्दा ज़रूरी है क्योंकि दरगाह है, ये तकद्दस का, दरगाह का ख्याल रखें, यही अपील मैं कर रहा हूँ। आपको लगता नहीं है आप इतने बड़े डिसीजन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ये डिसीजन नहीं है, कानून नहीं है। माँ बहनों से एक अपील है कि आप जैसे करबला जाती हैं, आप दरगाहों पर जाती हैं और हमारे यहाँ तो जिंदाने शाम और बाजार शाम, इसी बात का रोना है। हज़रत आबिद बीमार से जब भी पूछा गया तो उन्होंने करबला से ज़्यादा कूफा और शाम का तस्करा किया है, तो उन्हें तकलीफ़ ही कूफा और शाम से थी, अपनी फूफियों की, अपनी बहनों की बेपर्दगी से ही उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ थी। शहादत उन्होंने कहा कि मीरास है जब उनसे पूछा गया, मगर ये तो मीरास नहीं है जो चादरें छीनी गईं। इसी बात को मैंने अपील की है कि उनका ख्याल रखें चादरों का। अच्छा, 21 रमजान भी आ रहा है अभी, इसमें भी काफ़ी पब्लिक आती है, काफ़ी ज़ायर आते हैं और इसके फौरन बाद सालाना मजालिस है जो ईद के फौरन बाद है, तो इसको लेके कितना, मतलब क्या डेट का कितना आगे कर दिया इसके बारे में क्या? नहीं, उसमें ये था कि नहीं, ये वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में मजलिसें हो रही हैं, हमारा और वक्फ बोर्ड का ही डिसीजन था कि ईद के फौरन बात रख दें क्योंकि सेकंड सैटरडे और संडे मिल रहा है
اور جو عید کرنے ظاہر اپنے گھر پر آئے گا تو ایک دن کی چھٹی لے کے چار دن مجلسوں میں بھی شریک ہو جائے گا. عید کے اگر ایک ہفتے بعد رکھتے تو لوگ اپنے اپنے ڈیوٹی پہ اپنے آفسوں چلے سرکاری نوکریوں میں جو چلے جاتے تو وہ لوگ یہاں آ نہیں پاتے. اور ہم 15 جون کے بعد رکھ رہے تھے تو یہاں بتایا گیا کہ کھیت بھی نہیں مل پائیں گے, فصلیں بو دی جائیں گی. جن لوگوں کے کھیت ہم لیتے ہیں کرائے پر, جس میں ٹینٹ لگتے ہیں, پارکنگ کے ٹینٹ لگتے ہیں, اور پھر بارشیں شروع ہو جائیں گی. اور یہ حالات اس لیے پیدا ہوئے کہ عام چناؤ رہا اور مئی میں پورا رمضان ہے, اس لیے ڈیٹ صحیح طور سے فٹ نہیں ہو پا رہی تھی. یہ سب سے بہتر ڈیسیزن یہ تھا کہ 7 جون سے مجلس سے رکھ دی جائیں. آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں اور ادیوکتا بھی ہیں, شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کی طرف سے آپ اپنی بات رکھتے ہیں. جیسا ماحول چل رہا ہے انڈین گورنمنٹ کا فی الحال میں, کافی مسلمانوں پہ آپتی جنک ٹپڑیاں بھی ہو رہی ہیں, اس کے بارے میں لے کے کیا کہنا چاہیں؟ نہیں, یہ تو قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا, آپتیوں کا بھی, ٹپڑیوں کا بھی. اور جو اسلام ہے اور شریعت ہے اس کا راستہ تھوڑی بدلے گا, وہ تو اپنے راستے پہ چلے گا. حسینیت اور یزیدیت تو قیامت تک چلنا ہے. کچھ اپیل کرنا چاہیں گے آخری میں, جو زہر یہاں پہ آنے والے ہیں, جو نہیں آئے, بہت نگیٹیو باتوں کی وجہ سے, تو آپ کچھ اپیل کرنا چاہیں گے زہر؟ نہیں, میری تو تمام زائرین سے اپیل ہے کہ آئیں, درگاہ کا ماحول دیکھیں. کافی کچھ بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور جو سجھاؤ جو رائے دیتے ہیں ہم انہیں بھی ماننے کو تیار ہیں, وہ بتائیں. کیوں, جب سب لوگ جڑیں گے جب یہاں کا بہتر انتظام ہو سکتا ہے. اپنے اپنے مشورے دیں, انہیں یہاں لاگو کیا جائے گا, ان کے بہترین مشوروں کو عمل میں لایا جائے گا. سب آپ نے پورا سیٹ اپ بٹھا لیا ہے کہ پبلک کو کیسے ڈیل کرنا ہے؟ ہاں, وہ ہم نے سب اپنا تیار کر لیا ہے کہ کہاں ٹینٹ لگیں گے, کہاں لائٹ کا سسٹم رہے گا, کہاں پہ دکانیں لگیں گی. اور میں نے بتا ہی دیا کہ ضرورت ہے زندگی کا ہی سامان بکے گا, وہ سامان نہیں بکے گا جس کی یہاں زائرین کو ضرورت نہ ہو.